कक्षा छह के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अशोक का शस्त्र त्याग। आपने अशोक नाम तो सुना होगा, क्योंकि आपके घरों में आसपास में अशोक के बहुत सारे पेड़ होते हैं। अशोक यानी दुख का नाश करने वाला। ऐसे ही आपने एक राजा का नाम भी सुना होगा, अशोक नाम का एक राजा हुआ था मध्यकाल के अंदर, बहुत ही अच्छा और विद्वान राजा था। क्या आपने अपने राजा के बारे में नाम सुना होगा अशोक का, तो आज हम देखे उसी अशोक के बारे में हम पठन करते हैं। आपका पाठ पठन है अशोक का शस्त्र त्याग। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि इतने बहुत ही प्रतिभाशाली विद्वान और शक्तिशाली राजा ने अपने हथियारों का त्याग कर दिया था, शस्त्र यानी हथियारों का त्याग। तो देखिए आपका जो पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, उसके अंदर आज हम पठन कर रहे हैं। पाठ पठन इस तरह से है, पहला दृश्य है देखिए, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हुए हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है और संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल रहे हैं और अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है और वे सोचते हैं कुछ और आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक से जाके शुरू होता है अपने आप से, अशोक स्वयं अपने आप से। आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हैं, पर आज भी ऐसा पल है, क्या होगा इसका परिणाम। इस तरह से राजा चिंतित है। द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है, कुछ संवाददाता यानी संदेशवाहक समाचार लाने वाला। अशोक आने दो। संवाददाता का प्रवेश होता है, देख के संवाददाता महाराज अशोक की जय हो उसको अभिवादन करता है। शुभ संवाद है, गुप्तचर संदेश लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। आज का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर कलिंग का राजा था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ये सुनकर अशोक प्रसन्नतापूर्वक बोला, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। अशोक बोलता है, अशोक कहता है, बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो। संवाददाता धीरे से, बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। दरवाजा आज भी नहीं खुला कलिंग का। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज बंद क्यों है। हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन में स्वयं करूंगा, कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापिस चली जाएगी, जाओ। और इस तरह से राजा अशोक गुस्से के साथ सेनापति को कहता है। दूसरा दिन, दूसरा दृश्य, दूसरे दिन देखिए, शस्त्र सजित शस्त्रों से सजा हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सजित अशोक घोड़े पर बैठे हैं और उनके पास उनका सेनापति है और सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहराई है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम प्रण करें, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तो इस तरह से वो प्रतिज्ञा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के युद्ध के लिए। फिर देखिए इधर, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है अचानक। सहसा है ना, अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनकी
तलवारें खींचने की खींची की खींची रह जाती है, क्योंकि देखिए तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकल आती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, यानी वीर औरत, वीरांगना कहते हैं वीर महिला को, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दुर्गा सी दिखाई देती है। वह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ ही दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी आश्चर्यचकित हो जाता है उस सेना को देख करके। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर बहने हो, बहनिया हो, वीर पत्नियां हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, संघर्ष करना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्म भूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। अशोक सवतई, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी उसी सभी स्त्रियां, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहां है अशोक? कहां है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं, कुश्ती। अशोक, अशोक तो मैं ही हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराध की हत्या करो? शास्त्रों की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पूछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो आपको यह शिक्षा देता है, जिसमें यह सब कुछ लिखा हुआ है, जो तुम्हें यह सिखाता है, जो तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तो इस तरह से पद्मा ने, तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार खींच के उठाएं, और कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अशोक, बहुत देर हो चुकी राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा, ये क्या महाराज? अशोक, अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक कभी तुम्हें किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। आगे बढ़कर, पद्मा, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक, सिर झुका कर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा और जिस अशोक का सिर आज एक तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, झुका हुआ है। काट लीजिएगा इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है, अटल, जो कभी टल नहीं सकती, बदल नहीं सकती। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्या पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपने स्त्रियों की सेना के साथ द्रोह में चली जाती है। इस तरह से अशोक आज एक नया अशोक बन गया है। तीसरा दृश्य, बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बौद्ध, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, यानी किसी को भी मैं कष्ट नहीं दूंगा। बौद्ध, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा।
बहुत भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सभी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और पर्दा गिरता, पटाक्षेप, नाटक समाप्त होता है। इसके साथ ही आज का पाठ